नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी बाजार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बाइट्स। इसे आप स्नैक्स या स्टार्टर दोनों में सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, ब्रेड, नमक, धनिया के पत्ते, चिली फ्लेक्स, मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में बॉइल्ड आलू लेंगे, इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बॉइल्ड आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू के मोटे टुकड़े नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल बारीक तरीके से मिक्स कर लेंगे। कभी कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स बनाकर सर्व करने हैं तो ये आलू बाइट्स बहुत आसानी से बना के सर्व किए जा सकते हैं और सभी को पसंद भी बहुत आते हैं। अब 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनके साइड्स कट कर लेंगे। साइड्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज कर लेंगे। अब इन ब्रेड स्लाइस को तोड़कर या कट करके मेस की हुई आलू में ऐड कर लेंगे। ऊपर से ऐड करेंगे फ्रेश धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च कम ही डालें। चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो मिर्च को कूट करके भी डाल सकते हैं अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी ऑयल देकर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी बनाने हो तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करके भी डो रेडी कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से थोड़ा मसल मसल के डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो रेडी हो गई है। डो के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2 से 3 पार्ट में बांट ले लोई की तरह। हाथों में ऑयल लगा के लोई को थोड़ा सा लंबा करेंगे। ऑयल लगाने से ये हाथों में चिपकेगी नहीं। इस तरह रोल करके सारी साइड के थिकनेस को बराबर कर ले। सबको पहले हम इसी तरह रोल कर लेंगे। अब चाकू में थोड़ा सा ऑयल लगाए ताकि चिपके नहीं और आधे या फिर 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लीजिए सभी को। सारे टुकड़ों को प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और एक फॉर्क की हेल्प से इस तरीके से डिज़ाइन दे दें। आप अपने पसंद के डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अब ऑयल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके ऑयल में डालते जाएंगे। इन्हें तलने के लिए ऑयल भी मीडियम हाई और फ्लेम भी मीडियम हाई रखें। बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। शुरू में फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा तल जाएंगे फ्लेम को लो कर देंगे। पलट पलट कर इन्हें पका लेंगे जब तक दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। चारों ओर से अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ये एब्जॉर्ब कर ले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।